Okay. That was good, thank you. Yeah, okay. Thank you, thank you. So अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नूसा लेम्बांगन. ये जो आइलैंड है बहुत ही सुंदर है. अब बोट चल पड़ा है, देखते हैं कितना समय लगेगा. वैसे तो लगभग 30 मिनट लगता है. It's gonna be fun. यहाँ पे जो वेव है बहुत ऊंची ऊंची वेव. सुंदर दिखाई पड़ रहा है यहाँ से. और देखिए लोग यहाँ बड़े तरह तरह के पतंग उड़ा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कोई चील का बनावट है. देखिए यहाँ पे तो मैं चलता हूँ थोड़ा इनके पास और देखता हूँ कि कैसे उड़ा रहे हैं ये पतंग. सबसे अच्छा कि चप्पल उतार दो और खाली पैर चलो. बहुत ही साफ है, बिल्कुल साफ है बीच यहाँ पे. देखिए कितना सुंदर है. ये देखिए कैसा शेप है काइट का. वाह, your kite is very fancy, very nice, it's very fancy, it's like eagle. Wow, can I take a video? Eagle, wow, I see this eagle. Oh wow, thank you. Oh, okay, aise uda rahe hai bhai. उड़ गया भाई. वाह. देखिए कैसा लग रहा है. वाह. अगर कोई दूर से देखेगा तो लगेगा कि कोई चिड़िया ही उड़ रही है, पर ये चिड़िया नहीं है, ये पतंग है. उल्लू के आकार का. देखिए कहाँ जा रहा है ये. बड़ा अच्छा है ये मेथड. हेलो हेलो. ये देखिए इस घर में कितना अच्छा से सजा हुआ है. यहाँ पे देखिए भगवान गणेश जी का मूर्ति बिल्कुल सामने है. और ये है जो कल्चर है, बाली कल्चर जो है वो है. तो आपको हर घर कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा. यहाँ पे इतना सुंदर सजा हुआ होता है जैसे हर घर कोई मंदिर के समान हो. बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे ये सब देखने में. इतना सुंदर है. ये देखिए कितना बड़ा सा मंदिर है. जैसे हमारे इंडिया में होता है कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ पूजा होता है, यहाँ पे भी देखिए कैसे पूजा हो रहा है. यहाँ देखिए तो ऐसा लगता है कि ये कोई कब्र है. और कब्र के ऊपर लगा हुआ है छाता. देखिए पानी रखा हुआ है, कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, जैसे वहाँ पे बर्तन रखा हुआ है. वाह, बिल्कुल डिफरेंट है. तो इससे पहले ऐसा कुछ मैंने आज तक बाली में नहीं देखा था. पर यहाँ के लोग तो हिंदू हैं तो जलाते हैं या दफनाते हैं, ये मुझे पता नहीं ठीक से. जहाँ तक लगता है मुझे वो जलाते ही होंगे, पर ये कुछ अलग है.
तो जब मैं किसी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये किस तरह का कब्र है, क्योंकि ये मुस्लिमों का कब्र तो लग नहीं रहा है, ना ही क्रिश्चियंस का है, तो ये कोई यहीं के आस मतलब यहीं का कल्चर है उसका ही कब्र है ये। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको जब मैं किसी से मिलूंगा और पूछूंगा। फिर देखिए यहाँ पे कैसे बना हुआ है, देखिए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सब पे छाता लगा हुआ है, लगभग सब पे। और देखिए क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे चीज़ें, जैसे हो सकता है वाह पानी सब जगह पे है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखा मैंने, देखिए यहाँ पे तो ये देखिए, तो ये जो आदमी जो इसका जिसका कब्र है ये शायद ये लंगड़ा था या तो फिर बूढ़ा ही होगा ज़्यादा चांस है, और इसके सहारे वो चलता होगा शायद, और इसलिए रखा हुआ यहाँ पे भी सेम चीज़ है। वाह मदे ये बहुत ही नया है, 2020 19 8 अगस्त का ही कब्र। वाह तो ये बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और चलते हैं आगे। बस मैं चलते जा रहा हूँ, लगभग 2 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं जहाँ हार्बर से 2 किलोमीटर, और 200 मीटर पे और है हॉस्टल। आई सॉ अ ग्रेव लाइक ग्रेव विद अम्ब्रेला एंड देन ग्रेव, बट इन हिंदू यस पर इन हिंदू वी डोंट क्रीम लाइक बेरी वी क्रीमेट, व्हाई यू बेरी? Yeah, when the people die, yeah. Put under the ground, the first, yeah. But sometimes when the people die, sometimes they clean the cremation, but depend of the according the they have money, yeah. So if you have big money, a lot of not money. Why you need so much money to cremate? To make the cremation, yeah. Expensive, oh. Yeah. Maybe 100 million. Why? Yeah, for like make the tower preparation, long time preparation, yeah. Oh, that's very expensive. Yeah. I see. Yeah. Different. But when the people are keep under the ground until every 2 years in Lembong, yeah, we have the cremation for the group every 2 years. Okay, so in the whole entire group will be cremated in one day. Yeah, one day. Ah, yeah. I see. Every 2 years. Swastiastu. ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है, तो यहाँ आज सेरेमनी है, पूजा चल रहा है यहाँ पे, ये कैसा मंदिर है। इनका जो स्टाइल है पूजा करने का और हमसे थोड़ा अलग है, थोड़ा बोले तो बहुत अलग है। तो यहाँ पे जो कल्चर जो मेंटेन किया गया है, लोकल कल्चर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द रिलीजन। तो ये अच्छी बात है कि जैसे बाकी रिलीजन में होता है कि आप अपना कल्चर को भूल के दूसरा कल्चर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ से जो हिंदुज़म है यहाँ पे, इसमें इनके कल्चर को बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ किया गया है, ये अपने कल्चर बिल्कुल सेम रखा गया है। बस इसमें जो से ज्ञान जो है, ज्ञान दिया गया है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं जो प्रदान किया गया है इंडिया से, जो हमारे जो इंडिया से जो लोग आए और यहाँ पर जो धर्म के बारे में बात किया या फिर धर्म फैलाया,
उन्होंने इनके कल्चर के साथ कुछ भी बदलाव नहीं किया। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ का कल्चर जो है बिल्कुल ठीक से रखा गया है और बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है कल्चर के साथ। किसी भी जगह का जो कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस जगह के लिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि वो उस जगह का आत्मा होता है। तो अच्छी बात है यहाँ पर जैसे हिंदुज़म यहाँ पर फैला है तो हिंदुज़म के जो लोग थे जिन्होंने फैलाया यहाँ पे या फिर जिन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे या फिर उन्होंने अपने कल्चर के साथ कोई बदलाव नहीं किया और साथ ही साथ जो वहाँ से जो लोग धर्म लेके आए उन्होंने भी एक तरह से कोई फोर्स करना या फिर इनको गाइड करना कि आप अपने रिलीजन कल्चर के साथ चेंज करो वो नहीं बताया गया है। मतलब वो नहीं है यहाँ पे, इस तरह से नहीं है यहाँ पे कि आपको कल्चर के साथ कुछ भी चेंज किया गया हो। तो ये अच्छी बात है। और जो कुछ हमारे और इनमें जो सिमिलैरिटीज यही है कि ये जो ज्ञान जो है वो एक जैसा है। जैसे कि जो ये सोचते हैं भगवान विष्णु के बारे में या जो हम सोचते हैं भगवान विष्णु के बारे में वो सेम है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ जिनका कल्चर है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। Yeah.